Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 25 from the physics of second year. The learning objectives today are as follows. What is thermocouple? Explain the working of thermocouple by drawing its diagram. Define neutral temperature. By sketching curve, explain the variation in thermoelectric EMF with temperature. What is thermocouple? Thermocouple is basically combination of two words, thermo and couple. Thermo means heat and couple means pair. इसमें basically दो different metals का एक pair होता है, ठीक है? और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो आंसर है इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए. किस में कन्वर्ट करने के लिए? तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए. ये बेसिकली थर्मोकपल हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है. तो आप याद रखिएगा कि सोर्स ऑफ ईएमएफ जितने भी होते हैं उसमें आउटपुट हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है. तो फिर हम जब इस वर्ड पे फोकस करेंगे देन वी कैन इजीली डिफाइन थर्मोकपल इज पेयर ऑफ वायर्स ऑफ टू डिससिमिलर मेटल्स दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज एज टेम्परेचर सेंसर्स. थर्मोकपल का जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है, थर्मोकपल्स आर बेसिकली यूज एज टेम्परेचर सेंसर्स. इस बुक में इसके अलावा भी आप पढ़ चुके हैं, आपने थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा था. थर्मिस्टर इज ऑल्सो अ टेम्परेचर सेंसर. अच्छा, थर्मोकपल्स आर मोस्ट वाइडली यूज टेम्परेचर सेंसर्स इन इंडस्ट्री ड्यू टू देयर लो कॉस्ट, सिंप्लिसिटी, साइज एंड यूजेबल टेम्परेचर रेंज. The wire pairs can be composed of noble metals such as platinum, iridium, silver, osmium, gold and rhodium are base metals such as copper, iron, nickel, copper, nickel, copper alloy, lead and zinc. तो ये basically इनकी construction है कि ये noble metals से भी मिलकर बन सकती हैं या base metals जिनकी examples हम मैंने आपके सामने रख दी हैं. तो इस तरह से आप इन दो में से मतलब है कोई भी आप आपस में मिला सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये आयरन और जो कॉपर है, ठीक है? जैसे ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, कॉपर और आयरन. कॉपर आयरन एक थर्मोकपल मौजूद है, हम उसको स्टडी करेंगे फर्दर. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मोकपल बाय ड्राइंग इट्स डायग्राम. स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. ये जस्ट जितनी भी यहाँ पे वर्डिंग मैंने लिखी है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसको बनाया है. इन 1821 थॉमस सीबैक परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बाय जॉइनिंग द टू वायर्स टू मेक अ सर्किट. जैसे आप देख सकते हैं ये एक वायर ऊपर वाली है, एक नीचे कोई और वायर है, ये दो डिससिमिलर वायर्स थी, इन दोनों को उसने आपस में मिला दिया. तो इस तरह से दो जंक्शन बन गए, एक जंक्शन यहाँ पे बन गया और एक जंक्शन यहाँ पे बन गया. और इस जंक्शन के पैरेलल में उसने वोल्ट मीटर लगा दिया. अगर आप गैल्वानोमीटर लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ सीरीज में कहीं भी लगाया जा सकता है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर आप इस वायर को कट कर लें, दो इसके टर्मिनल बन जाएंगे, उन दो टर्मिनल से आप गैल्वानोमीटर को जोड़ देंगे तो वो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से आप दोनों यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, आगे देखिएगा. ही प्लेस्ड वन जंक्शन ऑफ द वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि एक उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया एक पॉइंट को या एक जंक्शन को, एंड द अदर इन अ बीकर हुज टेम्परेचर वॉज ग्रेजुअली रेज्ड बाय बर्निंग अ फ्लेम. और जो दूसरा पॉइंट था उसको एक ऐसे बीकर में रखा जहाँ पे टेम्परेचर को वेरी किया जा सकता था. यानी कि एक साइड पे कांस्टेंट लो टेम्परेचर है और दूसरे साइड पे जो टेम्परेचर है वो हाई भी है और वेरिएबल है, उसको वेरी किया जा सकता है. फिर जब गैल्वानोमीटर आर वोल्ट वाज प्रोवाइडेड इन द सर्किट टू ऑब्जर्व द करंट. और जब ये प्रोसेस किया गया, यानी कि एक साइड का टेम्परेचर जीरो पे और दूसरे को आपने हाई किया, जैसे ही इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस आपने प्रोवाइड किया तो वो जो वोल्ट मीटर है या जो गैल्वानोमीटर आप लगाते हैं तो उसकी जो नीडल्स है इट शोज डिफ्लेक्शन. ऑब्वियसली इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वोल्ट मीटर और गैल्वानोमीटर. दिस करंट इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? एंड द वोल्टेज आर द ई एम एफ ड्यू टू विच इट मूव्स अक्रॉस द सर्किट इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक ई एम एफ.
ठीक है, इसको हम मज़ीद देखेंगे। तो स्टूडेंट ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये अंडरस्टैंड करने के लिए थी। और क्वेश्चन में जो डायग्राम बताई गई है वो नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा जी। रेड कलर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आयरन की बनी हुई वायर है, और ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये बेसिकली मेरे पास है कॉपर की बनी हुई वायर। तो यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर में मैंने कुछ भी मटेरियल रख दिया और नीचे उसको हीटअप किया, और जो दूसरा जंक्शन था उसको दूसरे बीकर में, जहाँ पे आप समझ लें कि हमने आइस रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने कांस्टेंट कर लिया। अब उसके बाद आप देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें इसकी जो नीडल है इट शोज़ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको फर्दर स्टडी कर लें। कुछ कंक्लूजन्स निकाले उसने, तो वो कंक्लूजन्स हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस द गैल्वेनोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन। उसने देखा कि जब आपने ए और बी का टेम्परेचर सेम रखा, फॉर एग्जांपल इधर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, इधर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। ठीक है जी, नेक्स्ट। When the temperature of one junction was gradually increased, he noticed the current increasing with the temperature, and this is called Seebeck effect. ठीक है, यानी उसने जब एक जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया और एक को ज़ीरो ही रहने दिया, तो ऑब्वियसली दोनों जंक्शन के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और आप जितना इसको इंक्रीज कर हीटअप करते जाएंगे ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और उतना ही यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन थी गैल्वेनोमीटर में वो भी इंक्रीज करती गई। उसके बाद द करंट फ्लोज फ्रॉम हॉट जंक्शन टू कोल्ड जंक्शन। याद रखिएगा कि जो करंट है उसने ऑब्जर्व किया कि वो हमेशा हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ फ्लो करता है। उसकी रीज़न को देख लें, जब आप यहाँ पे हीट अप करते हैं तो बेसिकली इस मेटल में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे ऑब्वियसली इनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जिनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है या थर्मल एनर्जी बढ़ गई है उनके लिए मूव करना आसान है एज़ कम्पेयर टू दीज स्लो थर्मल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये जो हाई ज़्यादा थर्मल काइनेटिक एनर्जी रखते थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे या बल्कि सॉरी इस डायरेक्शन में, ये जैसे एरोज मैंने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से आयरन से ऐसे फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ से होते हुए कॉपर से, और ये ऐसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद प्रीवियस स्लाइड पर वापस आइएगा। अच्छा, द सीबेक, और इसी को चूँकि ये थॉमस सीबेक ने इस एक्सपेरिमेंट को वो किया था तो हम इस वजह से इसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, द सीबेक इफेक्ट इज़ रिवर्सिबल। ठीक है, एंड में हम इसकी एक एनिमेशन भी देखने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ इफ़ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शंस आर इंटरचेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स। देखिएगा कैसे, अगर आप इस फ्लेम को यहाँ पर रख दें और इसको आप कोल्ड बना दें, तो आप ये देखेंगे अब हॉट जंक्शन ये बन जाएगा, अब हॉट जंक्शन और ये कोल्ड जंक्शन ये, तो अब जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, अब वो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से होता हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ऐसे ही इसको समझ सकते हैं जैसे आप आपके हाथ में एक आयरन की रॉड है, आपने उसको एक हीटर के जो है ऊपर रखा है, तो आप देखेंगे हीट जो है वो गर्म एंड से हॉट एंड से फ्लो होकर आपके हाथ वाले एंड की तरफ जो कि नस्बतन कोल्ड है उसकी तरफ आएगी। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर हार्ट रखेंगे तो वो इस हार्ट से इस कोल्ड की तरफ जाएगी, अगर आप यहाँ पर हार्ट रखेंगे तो वो इस हार्ट से इस कोल्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप वीडियो एनिमेशन में मजीद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वन एंड, और वो एक साइड का टेम्परेचर इंक्रीज करता गया और जो दूसरा था उसका उसने कांस्टेंट रखा, तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस को दो जंक्शंस के अक्रॉस जो है वो इंक्रीज करता गया, और उसने देखा कि जो करंट है वो तो मैक्सिमम हो गया, और जब वो करंट एक दफ़ा मैक्सिमम हो जाता है तो फिर उसके बाद उसने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि जो करंट था अब वो दोबारा मैक्सिमम से जो है वो डिक्रीज होने लग गया, मैक्सिमम पे पहुंच के वो फिर डिक्रीज़ होता है। तो इसको हम ये जो पॉइंट है कि क्यों इंक्रीज करता है क्यों डिक्रीज करता है, ये हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में हम इसको समझेंगे आज के ही लेक्चर में। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लें और आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय स्केचिंग कर्व एक्सप्लेन द वेरिएशन इन थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद टेम्परेचर। थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ को आपने एक्सप्लेन करना है उसकी वेरिएशन को टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ कर्व बना के जी।
इन द फिगर बिलो अ सिंपल अरेंजमेंट इज शोन फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोकपल. ये वही लास्ट डायग्राम है, आप इसको दोबारा यहाँ पे बना लें. इट इज़ ए कॉपर आयरन थर्मोकपल, क्योंकि देख सकते हैं ये आयरन है और ये कॉपर है, तो इसको हम कॉपर आयरन थर्मोकपल कहते हैं. जंक्शन ए इज एट हायर टेम्परेचर, ये आप देख सकते हैं. जंक्शन बी इज एट 0°C, ये आप देख सकते हैं, आइस में रखा हुआ है. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ जंक्शंस आर सेम देयर इज नो थर्मो ईएमएफ. ठीक है, नेक्स्ट. However, when the temperature is slowly increased at junction A, वो जो hot junction था, the galvanometer shows a deflection. The current so produced is called thermoelectric current and EMF so produced is called thermo EMF. ठीक है, दोबारा इसको देखिएगा. कहता है कि जब आपने A point पे temperature को increase करते गए तो इसको आपने कांस्टेंट रखा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले 0°C था, 0°C जो चेंज था, चेंज इन टेम्परेचर, वो जीरो ही रहा. यहाँ पे आपने 10 कर दिया, यहाँ पे जीरो है, अब चेंज कितना बन गया, 10 - 0 = 10. यहाँ पे आपने 20 कर दिया, यहाँ पे जीरो ही है, चेंज कितना रहा, 20. तो इसका मतलब है आप टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंस है, ये चेंज है इन दो टेम्परेचर्स का, वो इंक्रीज करता जाएगा. और जैसे जैसे ये डिफरेंस इंक्रीज करता गया तो आपने देखा कि वो जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो करंट की, वो भी बढ़ती गई. और अच्छा जी, अब ऐसे करते हैं कि इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है. देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जब आप इसको हीटअप करते हैं तो मेटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी है, वो इंक्रीज कर जाती है. यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी, हाई थर्मल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, यहाँ पे हाई थर्मल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो है. तो आप जानते हैं कि एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और उस डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी अगर हाई थर्मल काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर भी आ जाएं. तो इस तरह से ये मूव करने लग जाते हैं. तो अभी अगर यहाँ पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी लो वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और यहाँ पे हाई वाले, तो एक वक्त आएगा कि यहाँ पे जो हाई वाले बढ़ने लग जाएंगे. ठीक है, तो शुरू में जो करंट बढ़ेगा, लेकिन शुरू में क्यों बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे हाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी वाले, लो थर्मल काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे. तो ये हाई थर्मल वालों ने मूव करना चाहा. जब वो मूव करेंगे तो ऑब्वियसली ये गैल्वेनोमीटर को नज़र आएगा कि करंट जो है वो ज़्यादा जा रहा है. लेकिन जब वो यहाँ मूव करके चले आते हैं तो अब इसका मतलब है यहाँ भी ज़्यादा हो गई है तादाद. और जब ये तादाद ज़्यादा हो जाती है तो अब वो करंट जो है गैल्वेनोमीटर में बढ़ता नहीं है, क्योंकि अब यहाँ भी ज़्यादा थर्मल काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं. तो इसका मतलब है अब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है यहाँ पे, वो भी स्लो हो जाएगी. और जब ये स्लो होती है तो अब हम कहते हैं कि करंट अब मैक्सिमम की बजाय अब वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो गया. और एक वक्त आता है कि यहाँ पे जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी जितनी रखते थे इलेक्ट्रॉन्स, वो ही तकरीबन यहाँ भी पहुँच जाते हैं, यानी इक्विलिब्रियम आ जाता है मूवमेंट की वजह से. और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल काइनेटिक एनर्जी वही है जितनी के यहाँ पे है, तो फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाएगा. जब डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और फिर ये रिवर्स प्रोसेस में भी ये फिनोमेना स्टार्ट होता है, लेकिन वो आपके इसमें नहीं है, तो इसको आगे देखिएगा फर्दर. अच्छा जी, द डायरेक्शन ऑफ द करंट डिपेंड्स अपॉन द मेटल्स जॉइंट एंड द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन. ठीक है, तो ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपने मेटल्स कौन सी जॉइन की हैं. तो इस पॉइंट को पहले समझिएगा. जो मेटल्स आपने, सीबेक ने डिफरेंट मेटल्स को जॉइन किया. अभी हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं उसमें हम जस्ट आयरन और कॉपर को हमने जॉइन किया हुआ है. ठीक है, तो उसने एक मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी बेस पर एक सीरीज बनाई, उसको नाम दिया गया सीबेक सीरीज का. ये सीरीज मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है, लेकिन बेशक अगर आप याद नहीं भी करते तो चूंकि आपकी बुक में नहीं है तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चंद इसमें से आप याद कर लीजिएगा. तो अच्छा, अब उसमें उसने ये देखा कि जो आयरन है उससे जो करंट फ्लो करता है वो कॉपर की तरफ. तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो मैंने सीरीज जो अरेंज की है, जिस ऑर्डर में अरेंज की है, थर्मोइलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम अर्लियर मेटल टू लेयर लेटर मेटल. यानी अगर आप आयरन और कॉपर को जॉइन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम आयरन टू कॉपर. अगर आप गोल्ड को और निकल को जॉइन करेंगे तो करंट की डायरेक्शन फ्लो करने की क्या होगी, गोल्ड टू निकल. और इसके साथ साथ करंट की डायरेक्शन जो दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करती है वो हॉट एंड कोल्ड जंक्शन है, यानी कि करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड जंक्शन. तो ये दोनों बातें कैसे एक्सप्लेन होंगी, हम इसको वीडियो एनिमेशन में लास्ट पे देखेंगे. जी, नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, थर्मो इलेक्ट्रिक. अच्छा, ये बात आ गई. एंड लार्जर द डिफरेंस बिटवीन द टू मेटल्स.
ठीक है, इन सीरीज लार्जर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। अब आयरन और कैडमियम ये पास पास हैं, अगर आप इन दो को आपस में जोड़ देते हैं तो जो ईएमएफ आपके सर्किट में बनेगी या जो करंट आपके सर्किट में बनेगा वो कम होगा, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान सेपरेशन कम है। लेकिन अगर आप आयरन और कॉपर को आपस में जोड़ देते हैं तो इनके दरमियान तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, और जब इनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ईएमएफ भी ज़्यादा होगी, ईएमएफ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे करंट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से सीरीज से हमें ये दो चीज़ें समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, द थर्मो ईएमएफ ऑफ मेनी थर्मो कपल्स हैज़ बीन मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो उसने एक इक्वेशन डेवलप की, इसका प्रूफ तो नहीं है लेकिन ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको अगर आप याद रखें ना, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन में कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। तो अगर आप उसी को जहन में रख लें कि एस की जगह पे आपके पास ईएमएफ आ जाएगा, वी आई की जगह पे ये अल्फा आ जाएगा, टी की टाइम की जगह पे कैपिटल टी टेम्परेचर आ गया, प्लस 1/2 था तो 1/2, और ए था एक्सेलरेशन था इक्वेशन ऑफ मोशन में तो यहाँ पे बीटा आ गया, आगे टाइम का स्केयर था तो यहाँ पे टेम्परेचर का स्केयर, यानी इसको याद रखना आसान होगा। तो अब अल्फा और बीटा क्या है? तो आंसर है ये कांस्टेंट्स हैं, और इन कांस्टेंट्स को क्या कहा जाता है? दीज आर थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशेंट्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा जो है रेजिस्ट थर्मिस्टर्स में आपने टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से है। और ये दोनों डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर? आंसर है नेचर ऑफ मेटल्स पे। तो हम अब इसके दरमियान एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पे हमने थर्मो ईएमएफ ली है। टेम्परेचर को हमने टी से, जो ईएमएफ बनती है वो बहुत स्मॉल होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट्स या समटाइम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो वोल्ट्स भी होती है, तो लिहाजा बहुत कम होती है, इसलिए मैंने इसको मिली वोल्ट में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कैसे बना। यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर ऑब्वियसली ये कम होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इससे स्टार्ट करते गए तो आपका ये जो थर्मो ईएमएफ की वैल्यू थी ये बढ़ती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये वैल्यू बढ़ती गई, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके वो वैल्यू मैक्सिमम हो गई। और यहाँ पे थर्मो ईएमएफ, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये थर्मो ईएमएफ को जाहिर कर रही है, कितने टेम्परेचर पर? 518 फारेनहाइट पे। और आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम ईएमएफ है, इसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो अब वो जो करंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी अब ईएमएफ इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, सो ऑन। और 1004 डिग्री फारेनहाइट पे ये जाके कितनी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, यानी ज़ीरो से स्टार्ट हुई, ईएमएफ मैक्सिमम हुई और फिर अगेन ज़ीरो हो गई। तो इस ग्राफ को आपने इंटरप्रेट करना है वर्ड्स में। तो देखिएगा, थर्मो ईएमएफ इंक्रीजेज विद टेम्परेचर अनटिल इट इज़ मैक्सिमम फॉर अ सर्टन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। आपने देखा था टेम्परेचर आप बढ़ाते गए, थर्मो ईएमएफ बढ़ती गई और वो बिल्कुल पीक पे आप पहुंच गए थे। इफ़ द टेम्परेचर इज़ फर्दर इंक्रीज थर्मो ईएमएफ डिक्रीजेज। अगर आप उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है लास्ट प्रीवियस स्लाइड में, ये 518 पे जाके ये पीक पे पहुंच गई। अगर आप 518 से 519 करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो करंट है वो या ईएमएफ है वो डिक्रीज़ करने लग जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ इज़ मैक्सिमम इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि इस ग्राफ में जहाँ कहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम है, तो आंसर है 518 फारेनहाइट पे। तो ये जो टेम्परेचर है जहाँ पे थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होती है, इसे न्यूट्रल टेम्परेचर का नाम दिया गया है। द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर थर्मोकपल एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। अच्छा, व्हेन द थर्मो ईएमएफ, फिर आगे नेक्स्ट आ गया था कि आप थर्मो ईएमएफ को आप बढ़ा रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल वहाँ पे बनती है। व्हेन द थर्मो ईएमएफ स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द टेम्परेचर आफ्टर टीएन, यानी आप न्यूट्रल टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मो ईएमएफ डिक्रीज करती है एंड इट बिकम्स जीरो एट सर्टन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये अब डिक्रीज करती 1004 डिग्री फारेनहाइट पे ये अगेन ज़ीरो हो जाती है। तो इस टेम्परेचर को भी हमने खास नाम दिया है, वो खास नाम क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर। देखें, नाम से ही जाहिर है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे अगर न्यूट्रल था तो वो बिल्कुल अब ज़ीरो हो चुका है, तो वो मैक्सिमम के अपोजिट बन चुका है, तो अब ये इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाएगा। और इसे टी आई से, कैपिटल टी और साथ में आप आई डाल दीजिएगा, उससे जाहिर करते हैं।
द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ थर्मो ई एम एफ विद द टेम्परेचर ऑफ द हार्ट जंक्शन. तो ये हार्ट जंक्शन के हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया. दिस पर्टिकुलर थर्मोकपल हैज़ टी एन इट्स न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ 518 डिग्री फारेनहाइट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ 1004 डिग्री फारेनहाइट. ठीक है, इन टर्म्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो पीछे आपने पढ़ी हैं. डिफाइन न्यूट्रल टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द हार्ट जंक्शन एट विच थर्मो ई एम एफ इज मैक्सिमम इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर. न्यूट्रल टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन. इट डिपेंड्स ऑनली अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स फॉर्मिंग द कपल. तो चूंकि इस वजह से ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, अगर आपने एक थर्मोकपल बना दिया है तो वो उसके लिए जो एक वैल्यू होगी वो हमेशा वही की वही रहेगी. इन्वर्जन टेम्परेचर जो है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन हार्ट जंक्शन एट विच थर्मो ई एम एफ इज जीरो एंड आफ्टर दिस टेम्परेचर ई एम एफ चेंजेज इट्स डायरेक्शन. वो रिवर्स में जाती है, चूंकि मैंने बताया वो आपका है नहीं यहाँ पे. अच्छा, अब ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर है ये कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर पे, कि आपने उसको कितना रखा था, यानी टेम्परेचर डिफरेंस पे दूसरे लफ्जों में. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स. तो चूंकि ये नेचर के साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है, लिहाजा ये टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा एक उसके लिए, ये वेरी करता रहेगा. लेकिन जो न्यूट्रल टेम्परेचर है वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से वो हमेशा पर्टिकुलर थर्मोकपल के लिए हमेशा ही वो कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हम किसी तरह से इसकी जो एक वीडियो थी वो मैं आपको शो करवा देता हूँ. जी अच्छा, ये देखिएगा इसी इफ़ेक्ट को, ये क्लियर करेगी सी बैक इफ़ेक्ट. साइंटिस्ट उसका नेम 1821 आपकी बुक में मेंशन किया गया है. अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये हॉट जंक्शन से ये कोल्ड जंक्शन की तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है, फिर ये बाहर से ये एक्सटर्नली ऐसे. तो इस तरह से मैंने आपसे कहा था हमेशा करंट फ्लो करता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. अच्छा जी, ये हमारे पास आयरन और कापर को जोड़ा गया था, ये दो जंक्शन हैं, तो ये आयरन कापर थर्मोकपल कहलाएगा. द ई एम एफ डिवेलप्ड इन द सर्किट इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक ई एम एफ, जैसे आपके सामने मैंने अभी मैंशन किया है. ये और ये जो पूरा इफेक्ट है दिस इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है, या सी बैक इफेक्ट भी कहा जाता है. अच्छा, अब उसके बाद अब हम चेंज कर देते हैं, अब क्या होगा, अब हार्ट जंक्शन यहाँ पे, कोल्ड यहाँ पे आ गया. अब करंट ज़ाहरी बात है वो आपने पढ़ा था वो हमेशा हार्ट से कोल्ड की तरफ फ्लो करता है. तो अब देखिएगा आप क्या करते हैं. अच्छा, एक मिनट से मैं पीछे से दोबारा शो करवा देता हूँ. अच्छा, अब देखें कि आपने अब रिवर्स कर दिया. अब देखें, अब हार्ट से इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाएगा हार्ट से कोल्ड ही की तरफ, लेकिन पहले अगर इसके अपोजिट था तो अब ये ऐसे अब इस डायरेक्शन में जा रहा है. और पहले की डायरेक्शन आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो में कि वो इसके अपोजिट थी. अगर एक दफ़ा क्लॉक वाइज है तो दूसरी दफ़ा वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा. तो इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है. ठीक है, उसने ये सीरीज़ बनाई थी, ये सीरीज़ आपके सामने मैंने वहाँ पे नोट भी की है. ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं. तो ये सीरीज़ का ऑर्डर चेंज होता रहता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना. वो कोई हार्ट जंक्शन के हिसाब से याद किया जाता है, कोल्ड के हिसाब से. तो ये भी फ़िलहाल आपके स्कोप से ज़्यादा है, लेकिन आप इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने कापर और आयरन को जोड़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बहुत दूर की, चूँकि इनके दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो रिज़ल्ट में ई एम एफ बनेगा वो भी मैग्नीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा होगा. स्मॉल गैप वालों को आप जोड़ के अगर थर्मोकपल बनाते हैं तो लेस थर्मो ई एम एफ बनेगी, जब लार्जर गैप वाले उनको मिला के आप बनाएंगे तो जो है थर्मो ई एम एफ ज़्यादा बनेगी. अगर बिस्मित और ये इक्वेशन आपके पास बनी थी और वहाँ पे हमने बस V की बजाय E से ज़ाहिर किया था थीटा यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर को. अगर इन्होंने ग्राफ भी बनाया है तो उसको भी ज़रा देखते जाइएगा. ठीक है, चलें इतना ही था और बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़.